हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के ऊपर। आप लोगों को पता है कि नॉन स्टॉप दो साल रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिला था, पहला 2018 में और दूसरा आपका 2019 में। 2018 में बात करेंगे तो 62,000 के आसपास कुछ पद आए थे, 2019 में बात करेंगे तो 103,000 पद आए थे। वहीं अगर 18 में देखेंगे तो 20% कोटा आप लोगों को मिला था, मतलब 12,000 पोस्ट मिला था, और 19 में देखेंगे तो 20% कोटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को 20,000 के आसपास पद यहां पे देखने को मिला था सीसीए वालों के लिए। तो अभी कई सारे रेलवे अप्रेंटिस छात्रों का इस बार जो किस्मत है वो खुल चुका है, इसके रिगार्डिंग रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो अगर आपने भी 2018 रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरा था और अगर आप भी सीसीए कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। अपडेट जो है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 2018 में जितने भी कैंडिडेट को, खासकर जो सीसीए वाले कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया था ग्रुप डी 18 वाली भर्ती में, उन लोगों का वेटिंग क्लियर करना शुरू हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि काफी संख्या में सीसीए वाले कैंडिडेट भी इसमें शामिल है। अभी पार्टिकुलर हम नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए 21/3/2024 के डेट में अपडेट आया है कि काइंड अटेंशन, सीएन 2/2018, मतलब जो आपका 18 में ग्रुप डी का भर्ती आया था 62,900 के आसपास कुछ उसमें पद था, उसका अभी तक वेटिंग यहां पे क्लियर हो रहा। तो सीसीए छात्रों का इस बार, जिसका भी, जो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि हमारा वेटिंग कब खत्म होगा, हालांकि सोच लीजिए कि 2018 से 24 का बात करेंगे तो 6 साल का समय हो गया और 6 साल के बाद उन लोगों का वेटिंग क्लियर करने के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ रहा। तो जो लोग फॉर्म भरेंगे वो लोग तो भूल ही गए होंगे कि हमारा भी अब यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में नौकरी हो पाएगा। तो चलिए उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि सीसीए वालों का वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो रहा। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि कैंडिडेट कैन नाउ चेक हिज हर अपडेट स्टेटस। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, कौन कौन से कैंडिडेट चेक कर सकते हैं, तो जो PWD वाले होंगे वो, जो CCA वाले होंगे हो, जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए होंगे, इसके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, और जो अदर नॉर्मल कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर सकते हो और अपना DOB पासवर्ड डाल के अपना स्टेटस देख सकते हो। सर्च करने के लिए आपको यहां पर दो तरह का ऑप्शन मिलेगा, रोल नंबर और यहां पे बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास रोल नंबर है तो रोल नंबर से भी अपना चेकआउट कर सकते हो, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी अपना चेकआउट कर सकते हो। तो ये फाइनली आपका लेटेस्ट अपडेट था जो अभी आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के तरफ से देखने को मिल रहा कि फाइनली सीसीए वालों का वेटिंग क्लियर किया जा रहा। पर इस बार से आपका 2018 तक वेटिंग का प्रावधान था, परंतु 2019 से वेटिंग का प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, अब कोई भी वेटिंग का प्रावधान नहीं था। तो इसका फायदा सिर्फ 18 वाले कैंडिडेट ही यहां पे उठा सकते हैं। आप लोगों को पता है कि LP में भी वेटिंग का प्रावधान रखा गया था, टेक्नीशियन का वेटिंग अभी तक क्लियर हो रहा है सोच लीजिए, और यहाँ पे CCA वालों का वेटिंग भी क्लियर हो रहा। आप चलिए एक बार आपको 2018 वाला नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, उसमें आपको नॉर्दर्न रेलवे में कितनी एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती आई थी उसके बारे में भी आपको जागरूक कर देते हैं। तो देखिए ये आपका 18 वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 2/2018। इसमें अगर बात करेंगे तो आपका लेवल 1 के तहत देख लीजिए यहाँ पे टोटल कितनी भर्तियां निकाला गया था। देखिए लेवल 1 के तहत अगर इसमें बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 16 RRB के तरफ से यहाँ पे भर्ती निकाला गया था 62,907, जिसमें से सीसीए वालों को कितना कोटा मिला था, 20% कोटा के अकॉर्डिंग देख लीजिए सीसीए का जो सीट था यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिला था 12,445 सीट आपका सीसीए का था। और अभी जो अपडेट आया, कौन सा अपडेट आया, तो नॉर्दर्न रेलवे का अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ के तरफ से ये जो आपका अपडेट आ रहा है उसके बारे में देख लीजिए, इसमें सीसीए का कितनी सीट थी और टोटल कितना, टोटल आपका 7,832 सीट था। जिसमें सीसीए के बारे में बात करेंगे तो मात्र यहाँ पे 1,547 सीट आपका सिर्फ और सिर्फ सीसीए वाले कैटेगरी के लिए रखा गया था, जिसका पार्टिकुलर यहाँ पे वेटिंग क्लियर होना शुरू हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर कैंडिडेट को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो कैंडिडेट भूल भी गए होंगे सीसीए वाले कैंडिडेट, कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता पार्टिकुलर, उन सभी कैंडिडेट को भी इन्फॉर्म किया जा सके। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग भी ग्रुप डी का प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन को अपना कंटिन्यू रखिएगा, चाहे आप आईटीआई स्टूडेंट है या फिर रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका क्या होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पर्टिकुलर कितना पोस्ट आएगा और आवेदन कब से होगा, सारा कुछ क्रिटेरिया आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अक्टूबर से दिसंबर के बीच देखने को मिल सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।